जहां एक तरफ जस्टिस फॉर श्रद्धा ट्रेंड कर रहा है और उस दुख से अभी देश उभरा भी नहीं था कि एक खबर लखनऊ से आई, जहां 19 वर्षीय निधि गुप्ता को मुस्लिम युवक सूफिया ने चौथी मंजिल से धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली में 16 साल की नैना मिश्रा नाम की बच्ची को अरमान अली दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। जिस तरह की मनमानी आज देश में हो रही है और जहां हिंदू बच्चियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है, यह बेहद दिल दहलाने वाली और विचारणीय घटना है। इन घटनाओं के साथ ही एक बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है कि हिंदू बच्चियों को बार बार इस दरिंदगी का शिकार क्यों होना पड़ रहा है। देश भर में रेप और लव जिहाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन इससे जुड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसे देखकर और सुनकर रूह तक कांप उठती है। इसी तरह का एक मामला कर्नाटक से रेप और लव जिहाद का सामने आया है, जहां शादीशुदा मुस्लिम युवक ने 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका बलात्कार किया और इस्लाम कबूल करने के लिए उसे मजबूर भी किया। इसी प्रकार का एक सनसनीखेज मामला यूपी के मेरठ जिले से आया है, जहां मुस्लिम युवक ने अपना नाम शिवम बताकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ रेप किया। इस दौरान गर्भवती होने पर उसका 3-3 बार जबरन अबॉर्शन भी करवाया। इसके बाद युवती ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो श्रद्धा की तरह उसके भी 35 टुकड़े करने की धमकी दी गई। यूपी में हिंदू युवकों का नाम रख हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का सिलसिला यही नहीं रुका। अगली घटना यूपी के बहराइच जिले की है, जहां बहराइच में महमूद खान हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने के लिए रौनक चौरसिया बन गया। फिर 2 साल तक युवती का शोषण करता रहा और इस दौरान उन्होंने उसका वीडियो भी बना लिया। सच सामने आने के बाद युवती ने जब इसका विरोध किया तो महमूद खान ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और फिर डरा धमका कर उससे निकाह कर लिया और अंत में मार पीट कर घर से निकाल दिया। लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, रेप और हत्या की ये तो कुछ वानगी भर तस्वीर है। पूरे देश में ऐसी घटनाओं की कमी नहीं है। सवाल ये है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रेम में फंसकर कब तक हिंदू लड़कियां टुकड़े टुकड़े होती रहेंगी। अभी विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद पर जो आंकड़े शेयर किए हैं उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों में 400 से अधिक लव जिहाद के केस सामने आए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पुलिस के सामने रजिस्टर्ड हुए हैं। सच ये है कि असल तस्वीर इससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसा भी नहीं है कि सरकारें लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही हैं। भारत के 9 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बने हैं। कानून तोड़ने पर सभी राज्यों में 5 से 50 हजार रुपए के जुर्माने से लेकर 1 से 3 साल तक की कैद तक के प्रावधान हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सिलसिले का अंत कब होगा।